हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या इसी को आप बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, जिसका मीनिंग होता है कि किसी यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है। किसी यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, उसका जो परसेंटेज होता है उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल। ओके, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो किसी यूनिट सेल में एटम के द्वारा जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसके परसेंटेज को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है इनका। तो हम लोगों के पास अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स अवेलेबल थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं अलग अलग यूनिट सेल के लिए। तो सबसे पहला अपना यूनिट सेल है सिंपल यूनिट सेल, या जिसको आप बोलते हो प्रिमिटिव, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हो। तो इनके लिए है क्या, तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर रहा सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है बाबू, तो सिंपल यूनिट सेल में होता है सिर्फ कॉर्नर पर एटम, तो सिंपल यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पर अवेलेबल होते हैं। ओके, तो कॉर्नर पर टोटल कितने कॉर्नर अवेलेबल होते हैं, एक क्यूब, हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर अवेलेबल हैं, तो देख सकते हो ए बी सी डी, चार ऊपर कॉर्नर हो गया और चार नीचे कॉर्नर हो गए, ये चार कॉर्नर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो चार कॉर्नर हो गए। और हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखे थे कि सिंपल यूनिट सेल में जहाँ कॉर्नर पर सिर्फ अवेलेबल होता है एटम, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हर कॉर्नर का एटम जो होता है वो एट पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, एट पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो कितना होगा, वन होता है। अब इसमें हम लोग सपोज किए कि क्यूब का जो एज है यानी साइड जो है वो ए है। ओके, ए मान ले रहे हैं हम लोग, हर जैसे ए बी का वैल्यू वन, बी सी वन, ए डी वन, सी डी वन। ओके, यानी एज ऑफ क्यूब या फिर साइड ऑफ क्यूब जो है उसको हम लोग ए मान लिए, और रेडियस ऑफ एटम जो है, एटम का जो रेडियस है उसको हम लोग आर सपोज कर ले रहे हैं, स्मॉल आर। ओके, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो बना है आपका, मान लो सी डी है, तो सी डी जो बना है वो कैसे बना है, तो दो एटम्स के बीच में ये लाइन है, या फिर ए बी जो है वो दो एटम के बीच में है, तो ए बी इस तरीके से देखो यहाँ पर दिखा है, ये वाला जो है आपका, ओके, ये ए बी, ए बी जो बना है वो कैसे बना है, तो दो एटम के बीच में बना है। ओके, यानी कि जो एज है एक क्यूब का, एक यूनिट सेल का, वो कैसे है आपका, तो ये एज बना है आपका दो एटम के कॉम्बिनेशन से, और दोनों एटम का रेडियस कंबाइन हुआ है तब जाके एक एज का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, यानी आप बोल सकते हो कि ए इक्वल टू टू आर, क्योंकि इसका भी आर और इसका भी आर कंबाइन हुआ है तब जाके ए बी का फॉर्मेशन हुआ। ए बी ये जो बना है आपका, ये दो एटम के बीच में बना है, तो दो एटम के बीच का जो रेडियस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को आप क्या कह रहे हैं, तो उसी को आप बोल रहे हैं कि ए एज। ओके, और ए इक्वल टू आपका टू आर हो जाएगा, और इसी को आप बोल रहे रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। ये एक क्वेश्चन टाइप सा रहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्यूब या एज ऑफ
सिंपल यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, तो आप क्या बोलोगे, ए इक्वल टू 2R, ये एक रिलेशन होता है। तो अब इनका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकाल लें, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम लोग फार्मूला क्या देखे हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें अवेलेबल हैं यूनिट सेल में, तो एक है, ओके एक है, और आपका एटम है तो एटम स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल आपका कैसा है बाबू, तो यूनिट सेल आपका क्यूबिक है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है इनटू 100 इक्वल टू, फिर क्या होगा, 4/3 नीचे आ जाएगा, और ए की जगह आप क्या रख सकते हो, तो ए की जगह आप रख सकते हो 2R, ए की जगह आप 2R रख सकते हो, तो हम यहाँ पर ए की जगह पर हम 2R रखें, ओके। अब इसको सॉल्व किए, अब इसको आप सॉल्व करो, तो पाई का वैल्यू 4 × π 3.14 आर क्यूब है, और नीचे में क्या आ जाएगा, 3 × 8, ओके 3 × 8 आर क्यूब इंटू 100, आर से आर कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे इंटू 100 करोगे, तो 52.35% आएगा, यानी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विल बी 52.8%, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्पेस ऑक्यूपाई जो किया गया है एटम के द्वारा, ओके स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज 52.35% एंड एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, तो एम्प्टी हो जाएगा 47 पॉइंट कितना हो जाएगा 65%। तो खाली जगह कितना 47.65%, और जो कम्प्लीटली एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस है वो 52.35% इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। अब आपका आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप BCC कहते हैं, ओके BCC आप इसी को कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को। इसका हम लोग निकाल कर देखते हैं कि क्या होता है इनका पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखो कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले हम लोगों को रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम निकाल लेना है, उसके बाद ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ भी सपोज कर लिए कि मेरा एज जो है क्यूब का, यानी साइड ऑफ क्यूब जो है ए हो गया, और रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर हम ड्रॉ किए, ओके बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड का ये फिगर होगा बाबू। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि सभी कॉर्नर पर एटम्स होते हैं, और साथ साथ कहाँ होता है एटम, तो एटम आपका बॉडी के सेंटर में होता है, ओके और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो 2 होता है, 1 टोटल कॉर्नर का मिलाकर और 1 जो बॉडी के अंदर में होता है, जो अंदर में बिल्कुल होता है सेंटर में, तो 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब देखो हम लोगों को सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्यूब और रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हम लोग काम करना था। तो यहाँ भी हम आपके दिमाग में आया कि ए इक्वल टू 2R तो लिख ही सकते हैं, ओके लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये फिर इस तरीके से वैलिड नहीं होगा इस वाले वे में, ओके क्योंकि यहाँ पर ए आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2R आ रहा है, लेकिन ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पर 3 एटम आ जा रहे हैं, 2 एटम का हाफ आर आर आ रहा है, जबकि एक का पूरा टोटल आ जा रहा है, यानी 2R आ जा रहा है, यानी 4R हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनवैलिड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ए इक्वल टू 2R वाला लॉजिक, इस वजह से इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आइए निकालते हैं, तो निकालने के लिए हम नेमिंग किए ए बी सी और डी, ओके ये नेमिंग कर दिए। अब इस पर क्या है कि आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि पहले ट्रायंगल ए बी सी का हेल्प लिए हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बनेगा। तो ए बी का वैल्यू ए और बी सी का भी वैल्यू ए, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2A,
अंडर रूट 2a वैल्यू आ जाएगा इनका। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब ट्रायंगल ACD का यूज करेंगे, AC। अब इनका यूज करेंगे हम लोग ACD, इस ट्रायंगल का आप यूज करेंगे। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका होगा, तो इसमें भी आप यूज करोगे तो क्या आएगा देखना, ACD, ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC का वैल्यू आप निकाले थे √2a, तो √2a का स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा और CD का वैल्यू a है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर, जो कि आप सॉल्व करोगे तो √3a आ गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि AD जो है आपका, AD का अगर R के टर्म में वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा 4a, 4R आएगा, क्योंकि इस एटम का ये कुछ AD इस तरीके से, देखिए AD जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, कुछ इस प्रकार से बना है। तो इसका R हो जाएगा, इसका 2R हो जाएगा और इसका R हो जाएगा, तो टोटल कितने R हो जाएंगे, 4R हो जाएंगे, यानी AD इक्वल टू आप क्या बोलोगे, 4R। तो AD इक्वल टू हम लोग के पास 4R है और AD इक्वल टू यहाँ पर लाए √3a, तो दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो √3a इक्वल टू 4R, यानी a इक्वल टू 4/√3R, और यही आपका रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्यू एंड रेडियस ऑफ एटम हो जाता है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि R इक्वल टू √3/4a। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लें तो इनका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अब देखो फॉर्मूला पुट करें तो टोटल एटम्स कितने हैं, तो 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। देखो अब इसको आगे बढ़ाएं हम लोग, सॉल्व किए तो a इक्वल टू रख सकते हैं 4/√3, a इक्वल टू रखा जा सकता है, a की जगह पे रख दिए बस हम 4/√3 आर क्यूब, और इसको आप आगे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से मेरे से 100 छूट गया है, यहाँ पर आप 100 लिख दोगे इंटू 100 छूट गया यहाँ, हंड्रेड लिख दोगे तो 1.73 इंटू 3.14, 1.73 इंटू 3.14 इंटू 100 होगा / 8, और इसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये कितना वैल्यू ला रहा है आपका, तो ये ला रहा 68%। ये कितना ला रहा, 68%, यानी कि इसमें एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा कितना, 68% ये है, तो 32% एम्प्टी हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 68%। और एम्प्टी स्पेस जो है यानी वॉइड, वॉइड वॉइड जो होगा वो आपका 32% होगा। ये रहा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। अब हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह सकते हो, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसको आप FCC कहते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब FCC। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर ले हम लोग, तो इसमें देखो फेस सेंटर में क्या होता है, तो कॉर्नर पर तो एटम है ही, कॉर्नर के साथ साथ सभी फेसेस पर होते हैं एटम्स। तो इस तरीके से फेसेस पर एटम हैं। अब आगे बढ़ो तो देखो यहाँ पर कि इनका भी हम लोग एज क्यूब का ए मान लिए और रेडियस ऑफ एटम आर सपोज कर ले रहे हैं आर, तो अब ट्रायंगल ए बी सी से लेकर चल रहे हैं, यहाँ भी रेडियस और एज के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी का यूज करेंगे तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर वर्क करेगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 2a आएगा। और ए सी इक्वल टू अगर आप देख रहे हो तो ए सी किस तरीके से है, तो इस तरीके से, ये तीन एटम से बना है इस तरीके से, तो तीन एटम के कंबाइन है, मतलब कितना ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अब ए सी इक्वल टू जब 4r हो जाएगा तो समझो कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√2r, जिसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√2r आ जाएगा। ओके यानी ए इक्वल टू 2√2r, यही आपका रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। ओके अब आगे बढ़े हम लोग, तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर ले, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 4 × 4/3, 4 × 4/3। ओके पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। तो अब आगे सॉल्व करो तो ए का वैल्यू कितना रखोगे आप, तो ए के जगह पर कितना रख सकोगे, √2 √2r रख सकते हो, तो उसी को हम यहाँ पर पुट किए, ए की जगह पुट किए √2r। ओके और इसको आप ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है वो आपका आंसर है 74%। क्लियर है, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेवेंटी फोर, 100 में से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 26%। यानी यहां 26% एम्प्टी स्पेस होगा। ओके 26% एम्प्टी स्पेस होगा और बाकी जो 74% है वो वॉल्यूम के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, यानी स्पेस ऑफ वाइड या फिर वॉल्यूम ऑफ वाइड आप कितना कह सकते हो इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 26%। ओके अब आपका जो थर्ड टाइप का जो आ जाता है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है जिसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को निकालना होता है, वो है आपका हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सॉरी HCP। तो इनका निकालना होता है, तो देखो हेक्सागोनल शेप कुछ ऐसा होता है, तो हेक्सागोनल शेप में 6 एटम्स ऊपर 6 एटम नीचे, इस तरीके से 6 एटम है, फिर सेंटर में एक हो गया और नीचे भी सेंटर में एक हो जाएगा, और फिर उसके बाद तीन जो होते हैं ये एजेज पर होते हैं। ओके फेस पर तीन हो गए अंदर में, बॉडी के सेंटर में, अंदर में, ओके बॉडी के सेंटर में तीन एटम हो जाते हैं, ये तीनों बॉडी के सेंटर में हो जाते हैं। अब समझना आगे कि HCP यूनिट सेल में बहुत लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि जो मेरा HCP रहता है, HCP क्लोज पैकिंग जो है आपका, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स होते हैं या टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ओके तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चलो इनको समझते हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे तो इसको समझते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर 12 स्फेयर जो हैं, 12 स्फेयर कॉर्नर पर हैं इस तरीके से, ये सभी कॉर्नर पर हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो 12 स्फेयर कॉर्नर पर है, और हर कॉर्नर वाला जो एटम है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी 6 अदर यूनिट सेल के साथ डिवाइडेड होता है। ओके 12 स्फेयर्स एट कॉर्नर विच आर शेयर्ड बाय 6 अदर यूनिट सेल्स। ओके फिर उसके बाद कि फिर यहाँ पर 2 स्फेयर जिसमें एक टॉप पर होता है और एक बॉटम फेस पर होता है। ओके एक बॉटम पर हो गया ये वाला और एक यहाँ पर हो गया टॉप पर, तो 2 फेस पर हो जाते हैं, सेंटर ऑफ फेस हो जाता है, तो सेंटर ऑफ फेस पर जो होता है एटम वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके यानी 2 यूनिट्स के साथ वो डिवाइडेड होता है, और 3 जो होता है बॉडी के सेंटर में होता है, ये जो 3 हैं
ये तीनों बॉडी के सेंटर में होते हैं, तो बॉडी के सेंटर में है तो इनका किसी के साथ कोई बंटवारा नहीं है, कोई किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, शेयर नहीं है, ओके। तो इस वजह से ये तीन कंप्लीटली है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें, या स्फेयर्स की बात करें, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें इन द एचसीपी, तो कितना हो जाएगा, 12 एटम जो कि कॉर्नर पे थे वो 1/6 में डिवाइडेड थे, 2 एटम जो कि टॉप और बॉटम फेस पर थे 1/2 में डिवाइडेड थे, और 3 एटम जो कि बॉडी में था, सेंटर में था, अंदर में। तो ये टोटल सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी कितना होगा, तो ये 12 होता है बाबू। अब ये 12 क्यों होता है तो इसको समझो। तो चलो आओ यहाँ पर एक इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और समझते हैं। देखो बात कर रहे हैं इस एटम की, इस एटम की बात करो, ये जो एटम है, इस एटम से कितने एटम टच में है, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये है, ये और ये, ओके। तो 6 एटम तो हो गए आपको दिख रहे, फिर ये जस्ट नीचे 3 एटम रहे होंगे, बॉडी के सेंटर में है, तो ये भी टच कर रहे होंगे क्योंकि ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में, बीच में इसके जस्ट नीचे आया होगा ये, तो 6 तो ऊपर हो गया, 6 ऊपर एटम टच कर रहे, फिर नीचे से 3 एटम्स टच कर रहे। अब देखो अब और कितना होगा, तो देखो पैटर्न कैसे चलता है इसमें, पैटर्न इस तरीके से चलता है कि नीचे ये पना, फिर ऊपर 3, फिर 6, फिर ऊपर 3, इस तरीके से ये पैटर्न रहता है, ए बी ए बी ए बी, अरेंजमेंट ऐसा चलता है, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट, फिर एक इसके जैसा अरेंजमेंट, ओके। तो ए बी ए फिर ऊपर में बी, यानी 3 एटम ऊपर होगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो एचसीपी का अगर आपसे कभी अरेंजमेंट टाइप पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ए बी टाइप होता है, ओके। तो आप देखो हम लोग बात कर रहे हैं इस एटम्स की, इस एटम की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ 6 ऐसे टच में आ गए, फिर 3 नीचे वाले, ये तीनों टच में होंगे, तो 6 3 9, और फिर ये 3 ऊपर आएगा, तो ऊपर से भी ये टच करेगा, ऊपर जस्ट लेयर पर रखाएगा तो ये भी टच करेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 3 12, यानी 6 लेयर पैरेलल स्पेस में होगा, और 3 नीचे और 3 ऊपर, ओके। तो इस तरीके से जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाता है, 12, क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना होता है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो चूंकि एक हेक्सागोन है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है हाइट इनटू बेस एरिया, ओके। तो हाइट को हम लोग एच सपोज कर लिए यहाँ पर, हाइट को हम लोग एच सपोज कर रखे हैं, ओके, इस एटम से इस एटम के बीच का, या फिर यहाँ सेंटर से इस सेंटर के बीच, तो एच हम लोग सपोज कर रखे हैं हाइट को। बेस एरिया, तो बेस एरिया अगर आपको निकालना है तो देखो बेस में आप देख पाओगे कि यहां पर क्या है, बेस आप देखो, बेस में देखो इस तरीके से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज जिसको आप हिंदी में कहते हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो साइड हम लोग का कितना, ए सपोज कर रहे हैं तो ए स्क्वायर, और टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस में बन रहे हैं, तो आप देखिए टोटल कितने हो गए, टोटल यहां पर बन रहा है, एक ये हो गया, एक ये, 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इनटू 6 कर दिए, और हाइट को एच सपोज करके अभी हम लोग चल रहे हैं। अब देखो हाइट का कैलकुलेशन करना जरूरी है, क्योंकि हाइट तो दिया हुआ है नहीं, तो कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो हाइट के कैलकुलेशन के लिए देखो हम लोग क्या वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 एटम हैं, ये 3 एटम हो गए, ये 3 एटम ये सेंटर में है, इसको टच कर रहे होंगे, इसको टच कर रहे होंगे, और ये जो है ये क्या है, ये सेंटर में है, ये तो बॉडी के सेंटर में है, तो एच को 2 पार्ट में बांट रहा होगा, यानी H/2 हो जा रहा होगा ये, तो यहाँ से यहाँ लें,
यहाँ से यहाँ ले या फिर यहाँ से यहाँ ले, ये जो है आपका h बाई टू रहा होगा। ओके तो अब यहाँ पर लेकर हम लोग चले, इनको बढ़ाएं आगे, तो उसी तरीके से तीन एटम को यहाँ पर हम ड्रॉ किए, एक दो तीन एटम को ड्रॉ कर लिए, तो तीन एटम के जो बीच का जगह है ये ऊपर गया स्ट्रेट लाइन, इसको आप P से मिला दें। ओके ये P कहाँ पर है, तो ये P आप दोनों जगहों में से कहीं भी सपोज कर सकते हो, या तो आप इसको P मान लो नहीं तो इसको P मान लो। ओके तो इसको आप P मान के चल रहे हो, तो चलो P अगर आप इसको मान रहे हो तो अब क्या किए कि ये जो था आपका ट्रायंगल इस पर एक परपेंडिकुलर हम डालें यहाँ से डायरेक्ट ऐसे, यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ बीच में आए तो परपेंडिकुलर हम डालें। अब देखो परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर आप डालें तो इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा था, तो जो ट्रायंगल बन रहा है बीच में आया यहाँ पर आया, इसको बी दे दिए, टॉप वाले को पी नाम दे दिए, और ये जो कॉर्नर था आपका ओके यहाँ इसको पी नाम दे दिए, और इसको देखिए इसको आप पी नाम दे रहे हो, इसको आप पी बोल रहे हो, ठीक इसको आप पी बोल रहे हो, और ये जो सेंटर पर आया परपेंडिकुलर यहाँ पर रखे परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बी दे दे रहे हो आप, सॉरी ए दे रहे हो और यहाँ आप बी दे रहे हो, तो इस तरीके से ये पी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। अब समझो हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोग देखो अब हम लोगों को कैलकुलेट करना था, ये हम लोगों को पी ए कैलकुलेट करना था, पी ए कैलकुलेट करना था मतलब हम लोगों को चाहिए था हाइट निकालना था, तो हाइट निकालने के लिए अगर हम लोग ये वाला निकाल लें, ये आधा, ये h बाई टू है मेरा, यहाँ से यहाँ h बाई टू है, तो h बाई टू अगर निकाल लें तो हम लोग का h निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच हम लोगों को निकालना था ये। ओके तो इसको निकालने के लिए आइए हम लोग शुरू किए यहाँ से, तो इस ट्रायंगल में अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो कर रहे हैं कि ये जो सेंटर में यहाँ पर आया है मेरा, इसको मिला दिए ए से, ए से मिला दिए, और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखो था गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये वाला बन रहा होगा यहाँ पर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री रहे होंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर से लाइन आया है तो ये एंगल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बांट दे रहा होगा दो पार्ट में, तो 30-30 डिग्री में बांट दिया होगा। तो हम क्या किए कि ट्रायंगल ए बी सी से वर्क किए, तो ट्रायंगल ए बी सी से वर्क किए तो मेरा एंगल कितना आया, ट्रायंगल ए बी सी से अगर वर्क करें तो ए बी सी में एंगल 30 आ रहा, ओके एंगल 30, तो 30 तो कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ओके ए सी बाई ए बी, तो ए सी का वैल्यू कितना आर होगा, ओके ना ए सी का वैल्यू आर, क्योंकि यहाँ पर देखो ए सी यही ना है, ए सी देखो ये देखो ये पूरा है और सी कहाँ है, यहाँ पर है सी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर सी है, तो ये ए सी हो गया, तो आर जो है ये पूरा ये जो है ये कितना है 2 आर, तो ए सी कितना है आर होगा, ओके ए सी मेरा आर है, तो अब यहाँ पर ए बी मेरा निकल कर आया 2 आर बाई रूट 3, क्लियर। अब यहाँ से ए बी निकल कर आ गया, समझो ए बी निकल कर आ गया, जब ए बी निकल कर आ गया तो अब हम लोग ट्रायंगल पी ए बी से वर्क करेंगे, तो पी ए बी से वर्क किए हम लोग, तो पी ए बी में क्या आएगा, पी ए स्क्वायर जो कि क्या है, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्लियर। तो हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना था पी बी, हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, अगर यही मेरा एच बाई टू है इसको कैलकुलेट करना है, तो आप पी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, पी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ओके पी बी का जो वैल्यू है यहां से आप देख सकते हो कि पी बी आपका कौन सा है,
तो पी बी ई ए वाला, ये लाइन आपका पी बी है, इसको क्या बोल रहे हो आप एच बाई टू, या फिर ए बी आपका है तो ये भी एच बाई टू, एच बाई टू, क्लियर। तो पी बी आपका हो गया एच बाई टू का स्क्वायर, और पी ए जो है आपका वो क्या है, ए है। ओके, दो एटम के बीच का है, पी ए आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखो पी ए ये हो जाएगा, ये जो लाइन है ये पी ए है, पी ए तो दो एटम के बीच का। ओके, तो दो एटम के बीच का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए बी का आप वैल्यू अभी लाए हो, ए बी इक्वल टू लाए हो टू आर बाई रूट थ्री, तो ए बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर टू आर स्क्वायर बाई थ्री, सॉरी हाँ टू आर आर बाय रूट थ्री का स्क्वायर आप यहाँ पर स्क्वायर, टू आर बाई रूट थ्री का स्क्वायर आप यहाँ पे पुट करो। तो अब आगे जब आप सॉल्व करते हो, ओके, तो ए स्क्वायर हो गया, ओके, ए स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर बाई थ्री, और एच स्क्वायर बाई फोर हो गया यहाँ पर। ए इक्वल टू कितना होगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो फोर आर हो जाएगा, ओके, सॉरी ए इक्वल टू टू आर है हम लोगों का, ओके, ए इक्वल टू टू आर, यहाँ देखो ए इक्वल टू टू आर, तो जब ए इक्वल टू टू आर है तो उसको पुट किया तो फोर आर स्क्वायर हो गया, और ये है, इनको आप ओवरऑल सॉल्व करो तो आपका क्या निकल कर आया, ओवरऑल सॉल्व किए तो एच इक्वल टू निकल कर आया फोर रूट थ्री बाई रूट टू आर, ओके, रूट टू बाई रूट थ्री आर, ओके, एच का वैल्यू आपका यहाँ से निकल कर आया फोर रूट टू बाई रूट थ्री आर, ये आपका वैल्यू निकल कर आया एच का। अब इस एच के वैल्यू का यूज हम लोग करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी में। तो आप देखो यहाँ पर कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 6 हैं, ओके, और एटम है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या बोले हम, हाइट इंटू बेस एरिया, तो बेस एरिया रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर इंटू 6। एच का वैल्यू हम लोग निकाल कर लाए 4 रूट 3 बाई रूट 2 आर, और ये आपका ओवरऑल वैल्यू को आप देख सकते हो यहाँ पर सॉल्व किया गया। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका जो आता है वो पाई बाई 3 रूट 2 इंटू 100 आया, रूट 2 का वैल्यू और पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए यहाँ पर, और उसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 74% अप्रॉक्स आता है। और इस 74% अगर आपका एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस है तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 26%। ओके, एम्प्टी स्पेस यहाँ पर 26% हो जाएगा। तो ये रहा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के तहत रखोगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद ये जो भी आप वीडियो में स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन सब हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इनको अपने नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हो और इनका एक नोट्स की तरह भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के साथ। ओके, तो थैंक यू।